राजधानी दिल्ली में वारदातें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वारदातों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है, जहां दुकानदार से बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दुकानदार को उन्होंने गोली मार दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और दुकानदार को पास के जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में देर रात जब दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर रहा था, तभी कुछ बदमाश आते हैं और रुपयों से भरा बैग लेकर भाग जाते हैं। पीड़ित दुकानदार विक्रम ने बताया कि मेरा काम मनी ट्रांसफर का है, बैग में करीब 2.25 लाख रुपए भी थे। जब मैं घर जाने के लिए अपनी दुकान को बंद कर रहा था, तब मैंने रुपयों से भरा बैग अपनी दुकान की ग्रिल में लटका दिया था। तभी दो बाइक पर 3 से 4 बदमाश आते हैं। बदमाशों ने हेलमेट पहने हुए थे और मेरा रुपयों वाला बैग लेकर भाग रहे थे। मैंने उससे बैग छीनने की कोशिश की, जिसके विरोध में उन्होंने मुझे गोली मार दी और मेरा रुपयों से भरा बैग लेकर अपने साथ ले गए। यह सारी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जैसे ही बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग ले जाने की कोशिश की, तभी दुकानदार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश बड़े आराम से भाग निकलते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी अपने कब्जे में कर लिया है। उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। एक तो झपट मारी हुई है, बैग छीना गया है, बैग में कम से कम 1 के ऊपर आसपास का पैसे होंगे, मोबाइल और उनका लैपटॉप सब उसी में था। अच्छा, ये गोली भी चली है, पैर में गोली भी लगी है। अच्छा, तो कौन है ये जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई? हमारे भाई। तो हुआ क्या, क्या करते थे ये? सर, इनका मनी ट्रांसफर का काम है शास्त्री पार्क के अंदर, तो शॉप बढ़ा ही रहे थे। जाने का टाइम ही हो गया था, 11 बज गए थे, मैं घर पे खाना खा रहा था, तो जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि भाई के साथ जाते झपट मारी हुई है, भाग के आके देखा तो उन्होंने बताया कि 3 बाइकें थी और 2-3 4 लड़के थे, हेलमेट पहन रखे थे सबने, और उन्होंने बैग छीना और छीनने के जब भाई ने उनसे थोड़ा हाथापाई हुई है तो उस टाइम गोली चली है।